हाय एवरीवन मैं हूं आरती और आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्रिसपर कैस नाइन के बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि क्रिसपर कैस नाइन किसे कहते हैं और रिसर्च में ये टेक्निक आजकल किस तरह से यूज़ की जाती है क्रिसपर कैस नाइन ये बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जाने वाला एक सिस्टम होता है बैक्टीरिया इसको एज एन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यूज़ करता है जैसे कि कोई बैक्टीरिया ये वो वायरसेज होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर किसी बैक्टीरियो ने किसी बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट किया है तो बैक्टीरिया इस बैक्टीरियो के जीनोम को डिग्रेड करने में थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अगर इस सेम बैक्टीरियो ने दोबारा से इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो सेकेंड टाइम ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरियो के जीनोम को मोर क्विकली एंड मोर इफेक्टिवली डिग्रेड कर देता है और इसी चीज़ को बोलते हैं हम अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्योंकि अब ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के जीनोम को रिक्नाइज करता है तो अगर दोबारा से इस बैक्टीरिया उफास ने फिर से इस बैक्टीरिया को अटैक किया तो बैक्टीरिया इसके जीनोम को क्विकली डिग्रेड कर देगा तो किस तरह से बैक्टीरिया इस अडप्टिव इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है बैक्टीरिया के जीनोम में यहाँ पर कुछ रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती हैं क्लस्टर की फॉर्म में इन रिपीटेड सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं क्रिस्पर सीक्वेंस CRISPR लोकस CRISPR की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट palindromic repeats। यानी ये सिक्वेंसेज बैक्टीरिया के जीनों में क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाती हैं रेगुलर हैं ये क्लस्टर्स और इंटरस्पेस्ड ये CRISPR एरेस के बीच में स्पेस पाया जाता है शॉर्ट होती हैं 30 से 34 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती हैं पैलेंट होती हैं यानी कि आप आप इसको इस डायरेक्शन में रीड करो या इस डायरेक्शन में रीड करो डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन सेम ही होती है डीएनए की लेकिन आप डीएनए के दोनों स्ट्रेंड्स पर अगर रीड करते हो तो ये आपको सेम ही रीड देगी अपर स्ट्रेंड ऐसे रीड करो एंड लोअर स्ट्रेंड इस तरह से रीड करते हैं डायरेक्शन सेम है फाइव टू थ्री फाइव टू थ्री तो ये हमें सेम ही रीड देगी तो ये पैलेंट रिपीट होती है आप देख रहे हैं बैक टू बैक ये रिपीट हो रही है तो बैक्टीरिया के जीनों में नेचुरल पाए जाने ये सीक्वेंसेस होती हैं इन सीक्वेंसेस के अपस्ट्रीम यहाँ पर कैस जीन पाया जाता है यानी वो जीन जो कैस प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन एज एन एंजाइम बिहेव करती है तो सबसे पहले जब बैक्टीरियो फाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है सबसे पहले कैस वन एंड कैस टू प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं ये दो अलग अलग प्रोटीन हैं लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं ये प्रोटीन बैक्टीरियो के जीनोम को रिकगनाइज करती है जब ये प्रोटीन जीनोम को करती है तो ऐसा नहीं होता है कि ये जीनोम में रैंडमली कहीं भी बाइंड कर सकती है ये जीनोम में यहाँ बैक्टीरियो के जीनोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बाइंड करती है और उस लोकेशन को उस साइट को हम बोलते हैं पैम साइट यहाँ पर यह कहलाती है पैम साइट इस पैम साइट को कैश वन एंड कैश टू प्रोटीन रिकग्नाइज़ करती है पैम की फुल फॉर्म होती है प्रोटोस्पेसर एडजेंट मोटिफ पी ए एम ये जो साइट होती हैं इनके सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है एन जी जी एन कैन बी एनी न्यूक्लियोटाइड फॉलोड बाय ग्वानीन एंड ग्वानीन तो एन जी जी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियो फाज के जीनों में दो ग्वानीन एक साथ मिल सकते हैं तो एन कैन बी एनी न्यूक्लियोटाइड तो यानी एन जी जी यानी जो प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस है ये बैक्टीरियो फाज के जीनों में मल्टीपल लोकेशंस पर पाई जाती होगी पैम साइट के अपस्ट्रीम ये अगर PAM site है तो इसके जो उसको तो हम बोलते हैं रीजन। PAM site को कैस वन और रिकग्नाइज करके यहाँ बाइंड हो जाती हैं ये दोनों प्रोटीन एंड आफ्टर बाइंडिंग ये प्रोटीन डीएनए के डबल स्ट्रैंड को ऐसे कट करती हैं. और इस तरह से पैम साइट का जो अपस्ट्रीम रीजन है जिसे हम बोल रहे हैं प्रोटोस्पेसर रीजन उस प्रोटोस्पेसर रीजन को कट कर लेती है उसके बाद ये प्रोटोस्पेसर रीजन को डीएनए में टूवर्ड फाइव प्राइम एंड डीएनए का फाइव प्राइम एंड की साइड होती है तो डीएनए में टूवर्ड फाइव प्राइम एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का काम भी कैसप्रोटीन ही करती है और जैसे ही ये यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाता है अगेन एक क्रिस्पर एरे यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाता है तो उसके बाद ये कहलाता है जो पहला स्टेप हुआ ये कहलाता है स्पेसर एक्विजिशन क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो प्रोटो स्पेसर रीजन था इसने ये जो स्पेसर रीजन है इसको एक्वायर किया तो स्पेसर एक्विजिशन स्पेसर इंटीग्रेशन के बाद ये जो क्रिस्पर एरे था ये क्रिस्पर एरे को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है जो बैक्टीरियल आर एन ए एंजाइम है सेम आर एन ए एंजाइम यहाँ पार्टिसिपेट करता है और इस क्रिसपर एरे को ट्रांसक्राइब करके आर एन ए बनाता है तो ये हमारा आर एन ए मॉलिक्यूल हो जाता है और इस आर एन ए को हम क्रिस्पर आर एन ए बोलते हैं क्रिस्पर आर एन ए पर सबसे पहले आकर जो एंजाइम प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है वो एंजाइम होता है आर एन थ्री आर एन थ्री इस क्रिस्पर आर एन ए को इस तरह से बीच बीच से कट कर देता है यानी ये एंजाइम बिहेव करता है एज एन एंडो न्यूक्लियस जिसमें से आपको मालूम है ये जो रेड कलर का पैच है ये है क्रिस्पर एरेस और ये जो अलग अलग कलर से यहाँ शो किए गए हैं ये बैक्टीरियोफास के प्रोटोस्पेसर रीजन्स हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर फिलहाल हम यहाँ जो बैक्टीरियो ने इन्फेक्ट किया है इसके प्रोटोस्पेसर रीजन को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी ये जो अलग अलग कलर से यानी ये दूसरे अलग अलग बैक्टीरियो के प्रोटोस्पेसर रीजन जो बैक्टीरिया ने एक्वायर करके रखे हुए हैं एज अ रिकग्निशन सीक्वेंसेस तो यहाँ पर आपका आरएनए एन थ्री इस तरह से क्रिसपर आरएनए को प्रोसेस करता है और फिलहाल हम इस पार्ट पर अगर फोकस करते हैं तो एक क्रिस्पर एरे ये रहा बैक्टीरियो का प्रोटोस्पेसर रीजन इस रीजन के साथ आकर बाइंड करता है एक ट्रेसर आर ट्रेसर आर बैक्टीरिया में ही सिंथेसाइज होता है और वो ट्रेसर आर इस तरह से क्रिस्पर एंड प्रोटोस्पेसर के साथ आकर कॉम्प्लेक्स बनाता है जब ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बन जाता है तो लास्ट में यहाँ पर आकर बाइंड करती है कैस नाइन प्रोटीन तो कैस नाइन प्रोटीन पूरा टोटल इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब ये कॉम्प्लेक्स पहुंचता है अगेन वैक्टीरियोफास के जीनोम के पास क्योंकि ये जो ब्लू कलर की साइट है ये इस प्रोटोस्पेसर रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है तो यानी यहाँ पर रिकग्निशन में कि ये वैक्टीरियो का जीनोम है ये ब्लू सीक्वेंस हेल्प कर रही है जो कि यहाँ पर एक्वायर करके रखी गई थी तो यहाँ पर कैश नाइन प्रोटीन अगेन साइट को रिकग्ननाइज करेगी और कैश नाइन इस तरह से पैम साइट को रिकग्नाइज़ करके यहाँ बाइंड करती है इस सीक्वेंस तक लेकर आता है प्रोटोस्पेसर इसीलिए प्रोटोस्पेसर को हम गाइड आर भी बोलते हैं क्योंकि एक तरह से इसी की वजह से इसी रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री रीजन यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रोटोस्पेसर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हुआ कैश नाइन प्रोटीन ने साइट को रिकिगनाइज़ किया ट्रेसर आर का रोल होता है इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करना कि कैस नाइन क्रिस्पर एंड प्रोटोस्पेसर आपस में बाइंड रहे ये रोल प्ले कर रहा है ट्रेसर आर और इस तरह से कैस नाइन प्रोटीन का दूसरा रोल होता है एज एन एंडो न्यूक्लियस कैस नाइन प्रोटीन बिहेव एज एन एंडो न्यूक्लियस तो कैस नाइन प्रोटीन यहाँ पर फिर से जो फास बैक्टीरियोफास जीनोम में उसको डिग्रेड कर देगी एंड डिटैच हो जाता है पूरा कॉम्प्लेक्स डिटैचमेंट के बाद कहीं और किसी और जगह साइट को रिकग्नाइज़ करेंगे एंड देन वहाँ पर डिग्रेड कर देंगे लेकिन सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्रिस्पर कैसनाइन का जो कॉम्प्लेक्स बना ये बैक्टीरिया के जीनोम को क्यों डिग्रेड नहीं कर रहा है जबकि ये जो सीक्वेंस है यही सेम सीक्वेंस इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका आंसर है कि इस क्रिस्पर एरे में बाकी और डीएनए का कोई पार्ट नहीं है पूरा कंप्लीट डीएनए में कोई भी पार्ट नहीं है जो इस सीक्वेंस का एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो क्योंकि ये बैक्टीरिया क्योंकि ये बैक्टीरिया फाज की सीक्वेंस थी बैक्टीरिया की नहीं थी दूसरा ये है कि बैक्टीरिया के जीनों में पाम साइट नहीं पाई जाती है और पाम साइट एकदम प्रोटोस्पेसर रीजन यानी इस तरह के रीजन के बाद मिलना बहुत मुश्किल है तो इस तरह से बैक्टीरिया खुद के जीनोम को डिग्रेड नहीं करता बल्कि अगर बैक्टीरिया तो उसके जीनोम को डिग्रेड कर सकता है अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिसर्च में ये मैथड किस तरह से यूज किया जाता है तो क्रिस्पर कैसनाइन एक जीनोम एडिटिंग टूल होता है क्रिस्पर कैसनाइन की हेल्प से हम जीनोम को एडिट कर सकते हैं जीनोम की एडिटिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी जीन को डिसरप्ट भी कर सकते हैं या न्यू जीन ऐड भी कर सकते हैं तो आप अपना किसी टारगेटेड डीएनए को किसी टारगेटेड जीनोम को आप मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड सपोज आपके पास ये है वो डीएनए जिस डीएनए को आप टारगेट करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आप इस डीएनए के ये है वो पर्टिकुलर जीन जिसको सपोज आप डिस्ट्रप्ट करना चाहते हो तो आपके पास इस जीन के स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होनी जरूरी है क्योंकि इसको मैं बोल सकती हूँ स्पेसर रीजन क्योंकि यही प्रोटो स्पेसर रीजन है जो जीन के साथ आकर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लोकेशन पर बाइंड करेगा प्रोटो स्पेसर के साथ जैसा कि अभी हमने क्लास में देखा हमारा इस तरह से क्रिस्पर लोकस अटैच होता है क्रिस्पर लोकस के साथ हमारा ये ऐसे ट्रेसर डीएनए अटैच होता है इस तरह से आ, इस तरह से ट्रेसर डीएनए क्रिस्पर लोकस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होता है एंड जीन में हमारी पैम साइट भी होनी चाहिए सपोज ये है पैम साइट और क्योंकि इस पैम साइट को ही हमारा कैश नाइन प्रोटीन रिकग्नाइज करेगी तो ये आपका कैश नाइन प्रोटीन यहाँ रिकग्नाइज कर रही है कैश नाइन प्रोटीन पैम साइट को जब रिकग्नाइज करती है तो वो एग्जैक्टली exactly साइट पे कट नहीं करती अराउंड दो से तीन न्यूक्लियोटाइड अबव जैसे टू टू थ्री न्यूक्लियोटाइड के गैप के बाद वो जीन को यहाँ से कट कर देगी तो सपोज यहाँ से आपका जीन डबल स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड्स को कट करती है तो सपोज यहाँ से आपका जीन कट हो जाता है तो पहले तो आपका जो ओरिजिनल जीन था वो बिल्कुल इस तरह से था कंप्लीट। लेकिन इसका क्रिस्पर कैस नाइन कॉम्प्लेक्स ने अब इस जीन को इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया तो आई होप आप सबको ये बात मालूम है कि जब आपका इस तरह से डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो सेल के पास सेल इस डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिपेयर करने की कोशिश करती है और सेल के पास दो स्ट्रेटेजी होती है इस रिपेयर के लिए या तो सेल एनए पाथवे फॉलो करती है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग पाथवे या सेल होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करती है बैक्टीरिया में होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं तो ऐसे केस में बैक्टीरिया सिर्फ एन ए पाथवे को ही फॉलो कर सकता है और अगर आप एन ए पाथवे को जानते हो कि अगर डी एन ए में ऐसा डबल स्ट्रैंड डैमेज हो गया तो यानी सेल सिंपली इस टूटे हुए डीएनए को जोड़ देती है और उस ज्वाइनिंग के टाइम पर हो सकता है दो से चार न्यूक्लियोटाइड यहाँ लॉस हुए हों दो से चार न्यूक्लियोटाइड यहाँ लॉस हुए हों क्योंकि कुछ प्रोटीन यहाँ पर काम करती है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर इस एरिया की थोड़ा सा ट्रिमिंग करता है एंड ट्रिमिंग के बाद इस इस एरिया को एज अ लाइक ग्लू की तरह से यहाँ पर जोड़ देता है तो जॉइनिंग जौ, के बाद जो ओरिजिनलिटी इस जीन में थी वो ओरिजिनलिटी अब यहाँ नहीं बची यानी आपका जीन यहाँ पर डिसरप्ट हो चुका है तो इस तरह से शर्त क्या है अगर आप किसी जीन को डिसरप्ट करना चाहते हैं शर्त ये है कि आपको उस जीन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए ताकि आप उस जीन के स्पेसिफिक प्रोटोस्पेसर डिज़ाइन कर सको लेकिन अगर आप जीन को डिसरप्ट नहीं करना चाहते हैं आप किसी न्यू जीन को ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप कोशिश करेंगे कि ऐसा तब पॉसिबल है जब जीन की दूसरी कॉपी अवेलेबल है क्योंकि सेम क्रिस्पर कैस नाई जैसे भी हमने यहां पर डिस्कस किया इसी तरह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक करेगा जीन में ऐसे ही सेम डबल स्ट्रैंड ब्रेक करेगा लेकिन अब जब ये डबल स्ट्रैंड डैमेज हो गया अगर सेल के पास होमोलोगस क्रोमोजोम है तो सेल उस केस में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेगी तो अगर आप चाहते हो किसी जीन को मॉडिफाई करना किसी दूसरे जीन के साथ तो आप वो दूसरे जीन की कॉपी सेल के पास पहुंचा दीजिए वहाँ पर उन, उन जीन्स के बस टर्मिनल्स मैच होने चाहिए ताकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सके और इस तरह से आप यहाँ पर जीन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जीन को डिसरप्ट भी कर सकते हैं इस तरह से इस टूल को हम जीन एडिटिंग टूल भी बोलते हैं किसी दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि, कि किस तरह से क्रिसपर कैसनाइन का यूज़ करके कोरोना का टेस्टिंग किट डेवलप किया गया बट आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर आपको कोई डाउट है कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा थैंक यू सो मच